तो के के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अटैक्ट हो जाएंगे बोलो ऑक्सीजन की तरफ तो जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर तो कैसा चार्ज आ जाएगा बोलो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और क्या लॉस हो गया बोलो एच पॉजिटिव आयन तो मीन आफ्टर द लॉस ऑफ एच एटम एज दी एच पॉजिटिव आयन द स्ट्रक्चर दस फॉर्म्ड जो स्ट्रक्चर अभी बनी है फिनोक्साइड आयन या फिनोलेट आयन भी कह देते हैं द स्ट्रक्चर दस फॉर्म्ड गेट स्टेबिलाईज अपनी तरफ अटेक्ट नहीं करेगी एच पॉजिटिव आय कंटेनर के अंदर बीकर के अंदर आपके सोल्यूशन के अंदर फ्री फॉर्म में रहेंगे और सोल्यूशन के अंदर अगर एच पॉजिटिव आयोजन के अंदर तभी तो हम कहेंगे सोल्यूशन एसिडिक

कौन सी प्रोसेस चली ये रेजोनेंस तो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है जो ये दो डॉट हमने दिखा रखे है दोनों इलेक्ट्रॉन देखो जब आगे यहाँ पे मूव किए तो यहाँ पे बोलो कैसा बॉन्ड आ गया ये डबल बॉन्ड आ गया ठीक है और डबल बॉन्ड आने से इस कार्बन के आ बोंड गिने पहले से बोलो कितने यहाँ पे फोर बॉन्ड तो देखो वैलेंसी कार्बन की फोर ही होती है वन टू थ्री फोर एक बॉन्ड और बनने से यहाँ पे इस कार्बन के फाइव बॉन्ड हो जाएंगे इसीलिए ये जो दो नो इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड के यहाँ पे ये दोनों आगे शिफ्ट हो जाते हैं देखो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन हमने आगे शिफ्ट कर दिए तो इस कार्बन के ऊपर बोलो क्या आ गया नेगेटिव चार्ज नेक्स्ट जो ऑर्थो पोजीशन है अब ऑर्थो पोजीशन के ऊपर नेगेटिव इसका फर्दर डिस्पर्सल होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज नेक्स्ट डबल बॉन्ड से ऑल्टरनेट पोजिशन के ऊपर है तो कंडीशन कंप्लीट हुई तो इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है इसको हमने फर्दर आगे शिफ्ट किया तो इस कार्बन के बोलो कितने बॉन्ड हो जाएंगे इसके ऊपर देखो एच है यहाँ पे तो इसके फोर बॉन्ड पहले से थे दो इलेक्ट्रॉन आने से एक नया बॉन्ड यहाँ पे देखो ये बनेगा ये नया बॉन्ड तो जिसकी वजह से इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन को हमने शिफ्ट किया पैरा पोजिशन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज मीनस आपने देखा नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो गया किसके द्वारा रेजोनेंस प्रोसेस के द्वारा तो क्या क्यों है आपका फिनोल एसिडिक तो हम कैसे लिखेंगे हम ऐसा ही लिखेंगे कि आफ्टर द लॉस ऑफ एच एच एटम एज पॉजिटिव आयन The structure thus formed, that is the phenoxide ion get stabilized in the aqueous solution due to the increase in the dispersal of negative charge by the resonance. So phenol is acidic in nature. isliye phenol bolo kya ho gaya aapka acidic in nature? to resonance process यहाँ पे चली तो that is the application of the resonance कि हमें इस phenol की acidity को explain कर पाए phenol के अंदर जो H postion lose करने के बाद जो negative charge है उसका जो dispersal है वो हम explain कर पाए resonance process की help से नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वाई फिनोल के बारे में तो आपको बताया ही था कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट किए और ये एच पॉजिटिव है लॉस हो गया फिनोक्साइड आयन बन गया ये स्ट्रक्चर नंबर वन और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज का देखो डिस्पर्सल हुआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड रेजोनेंस कौन सी प्रोसेस चलिए बोलो यहाँ पे रेजोनेंस प्रोसेस की हेल्प से एक्टिव चार्ज का बोलो क्या हो गया यहाँ पे डिस्पर्सल हो गया है अब हम देखेंगे यहाँ पे आपके एल्कोक्स एल्कोहल के अंदर एल्कोहल के अंदर भी ओ और एच के बीच में जो बॉन्ड है और ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हुए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एच पॉजिटिव पोज लॉस हुआ और ये स्ट्रक्चर नंबर टू बन गई एल्कोक्साइड अब हमें कंपेयर करना है स्ट्रक्चर वन और टू में कि किसके अंदर नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल ज्यादा होगा जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल ज्यादा होगा वही स्ट्रक्चर स्टेबिलाईज रहेगी और फिर वो स्ट्रक्चर जो स्टेबिलाइज होगी वो एच पॉजिटिव पोज को दोबारा अपनी तरफ अटैक नहीं करेगी एच पॉजिटिव एन फ्री फॉर्म में रहेंगे तो आपकी जो स्ट्रक्चर नंबर वन है वो तो हमने देख ही ली जो फिनोक्साइड आयन है वो स्टेबलाइज हो जाती है ड्यू टू द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज बाय रेजोनेंस लेकिन जो आपका एल्कोक्साइड बना यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि जो आर ग्रुप है यहाँ पे इसका इफेक्ट कैसा होता है प्लस इफेक्ट ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जिसकी वजह से ये खुद ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ वो लोग क्या करेगा डिस्पर्स कर रहे हैं और डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है जो नेगेटिव चार्ज है देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर हम चाहते थे इस नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो जाए इस इस के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ कोई अट्रैक्ट कर ले इलेक्ट्रॉन को बल्कि प्लस आई इफेक्ट वाला आर ग्रुप तो खुद अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ दे रहा है डिस्पर्सल यहाँ पे रुक गया हिंडर्ड हो गया है इसलिए आपकी जो स्ट्रक्चर नंबर टू है एल्कोक्साइड वाली ये स्ट्रक्चर आपकी लेस स्टेबल हो गई है और जो फिनोक्साइड आयन वाली जो स्ट्रक्चर है वो आपकी बोलो क्या हो गई है वो आपकी मोर स्टेबल हो गई है क्योंकि उसके अंदर तो कौन सी प्रोसेस चली बोलो आपकी रेजोनेस प्रोसेस चली है इसलिए कौन ज्यादा एसिडिक वाले हो जाना चाहिए इसलिए एसिडिक ज्यादा होगा फिनोल सो so, फिनोल इज मोर एसिडिक तो हम क्या लिखेंगे बोलो आंसर आंसर हम उसी टाइप से पैटर्न हमारे एसिडिटी के किशनों का एक ही रहता है कि आफ्टर द लॉस ऑफ एच एज एच पॉजिटिव आयन द फिनोक्साइड आयन

ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन भी ले लिया और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एच वाला लिया है इसलिए ही देखो ये दो डॉट हमने चलो दिखा दी यहाँ पे ओ के ऊपर एक ऑक्सीजन का खुद का इलेक्ट्रॉन एक एच का इसलिए एक नेगेटिव चार्ज आया क्योंकि वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है अब जो आपके कार्बोक्सिलेट एनायन बन गया जो स्ट्रक्चर नंबर वन आपकी यहाँ पे बन गए इसमें अब डिस्पर्सल क्यों होगा क्योंकि आप खुद देखें जो आपके ऑक्सीजन जिसपे नेगेटिव चार्ज है ये डबल बॉन्ड से ऑल्टरनेट पोजिशन के ऊपर प्रेजेंट है इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है जो दो इलेक्ट्रॉन अगर हम आगे शिफ्ट करते हैं तो ये जो कार्बन है देखो इसके पहले से देखो फोर ही बॉन्ड है इस कार्बन के तो, तो इसलिए क्या होगा जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वीक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड इसलिए कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने से देखो जो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो कार्बन अपने फोर बॉन्ड कैसे करे बाय द फर्दर डिस्पर्सलफ दी पाई इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन की ही मूवमेंट होगी बिकॉज इट इज द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन और ये आपके दूसरे ऑक्सीजन के नेगेटिव नेगेटिव चार्ज चार्ज आ गया गया तो आपने देखा चार्ज का क्या हो गया यहां पे डिस्पर्सल बाय प्रोसेस रेजुनेंस, रेजुनेंस के द्वारा तो हम आंसर बिल्कुल उसी टाइप से लिख देंगे कि आफ्टर लॉस ऑफ एटम एच पॉजिटिव बाय कौन सी प्रोसेस बोलो के द्वारा और वो डिस्पर्सल कहां पे हो रहा है एक oxygen से है इसलिए आपका जो है, वो क्या हो गया के एसेड होते हैं क्योंकि जो कार्बोक्सिलेट एनआईन जो आपका बन गया जो स्टेबलाइज हो गया है वो इन एच पॉजिटिव आयन को दोबारा से पिकअप नहीं करेगा क्योंकि खुद ही स्टेबिलाईज हो चुका है इसलिए सोल्यूशन के अंदर एच पॉजिटिव आयोन फ्री फॉर्म में रहेंगे और आपका सोल्यूशन एसिडिक कहलाएगा नेक्स्ट हम देखते हैं कंपेरिजन फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में कि विच वन इज मोर एसिडिक तो हम पहले भी देख चुके हैं कि जो फिनोल होता है इसमें ओ और एच बॉन्ड है और ओ और एच के बॉन्ड के बीच के ऑक्सीजन इलेक्ट्र, वो इलेक्ट्रॉन एक्टिव है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया एच पॉजिटिव देखो लॉस हो गया फिनोक्साइड आयन भी बन गया अब लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दें कि जो ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये बेंजीन रिंग के साथ देखो अल्टरनेट पोजिशन के ऊपर है कंजुगेशन में है तो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल तो हो गया देखो लेकिन पहले जो नेगेटिव चार्ज आप ध्यान से देखिए और बताएं किसके ऊपर है पहले नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लेकिन जब ये फर्दर रेजोनेंस प्रोसेस चल रही है उसके बाद देखो क्या हुआ जो जो ये पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है देखो ऑर्थो पोजिशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन गए तो इनेक्टिव चार्ज अब किसके ऊपर है जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि पे कार्बन है क्योंकि बेंजिन रिंग में हर इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर कौन है बोलो ये कार्बन तो ये जो अब देखो ये नेगेटिव चार्ज आया है ये किसके ऊपर आया है द नेगेटिव नेगेटिव चार्ज चार्ज दैट इज प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम और हम ये पहले से जानते हैं कि द नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन तो जो नेगेटिव चार्ज है वो आपके डिस्पर्सल तो हो रहा है नेगेटिव चार्ज का लेकिन अब यहाँ पे कार्बन पे आने के बाद ये नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है जितना कि वो ऑक्सीजन के ऊपर था फर्दर भी डिस्पर्सल हुआ इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को और ये देखो पैरा पोजिशन के ऊपर भी देखो आपका आ गया डिस्पर्सल तो हो रहा है फिनोल के केस में रेजोनेंस प्रोसेस ही चल रही है लेकिन उस रेजोनेंस प्रोसेस के दौरान जो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो रहा है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जिसके ऊपर पहले नेगेटिव चार्ज था वहां से बोलो कहाँ पे हो रहा है बोलो वो डिस्पर्सल वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम के ऊपर हो रहा है अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में देखें तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है और के बीच के बोन के जो दो इलेक्ट्रॉन थे मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव ऑक्सीजन एटम ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किए एच पॉजिटिव एंड लॉस हुआ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और उसी टाइप से देखो हमने ऑक्सीजन के ऊपर ये दो डॉट दिखा दी एक तो ऑक्सीजन का खुद का इलेक्ट्रॉन और एक आपके

फिनोल के केस में कि आफ्टर द लॉस ऑफ एच एटम इज एच पॉजिटिव एंड द फिनोक्साइड आयन स्ट्रक्चर वन दस फॉर्म गेट स्टेबलाइज्ड ड्यू टू द इंक्रीज इन द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज ओवर क्या आ, आ जाएगा यहां पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम बाय द रेजोनेंस तो डिफरेंस इतना ही है कि कहां पे हो रहा है डिस्पर्सल इसीलिए ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा बोलो आपकी स्ट्रक्चर नंबर वन कार्बोक्सिलेट एन ज्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चर स्टक्चर दैट इज फिनोक्साइड आयन हेंस द कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल आप हमेशा ध्यान रखिए कौन ज्यादा एसिडिक होता है एसिड वो होता है जो एच पॉजिटिव आयन लॉस करके क्या हो जाए स्टेबल हो जाए जो एच पॉजिटिव आयन लॉस करके ज्यादा स्टेबल हो जाए तो वो अपने एच पॉजिटिव आयन को दोबारा बिल्कुल गेन नहीं करेगा उसके सोल्यूशन के अंदर एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा रहेगी वो ज्यादा फ्री फॉर्म के अंदर घूमते रहेंगे सोल्यूशन के अंदर और वो सोल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा ऐसा किसके केस में है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में हुआ

एनओ टू लगा दे तो पैरा पोजिशन के ऊपर ये पैरा नाइट्रोफिनोल बन गया आपका तो ये तीन हमारे कंपाउंड हो गए एसिडिटी को एक्सप्लेन करते हैं तो तीनों में हमें क्या करना पड़ेगा कि ओ और एच के बीच में जो बॉन्ड है देखो यहाँ पे उसके अंदर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को बोलो क्या करेगा तीनों ही केसेज में देखो अट्रैक्ट तो अपने पास करेगा ही तीनों ही केसेज के अंदर बोलो क्या लॉस हो जाएंगे यहाँ पे एच पॉजिटिव है देखो लॉस हो गया तीनों ही केसेज के अंदर ठीक है तीनों ही केसेज में फिनोक्साइड एन भी बन गया स्ट्रक्चर वन बनी स्ट्रक्चर टू और स्ट्रक्चर थ्री

कि यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है देखो हमने रेजोनेंस करते हुए दिखाया है लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट एक वीकर इफेक्ट रहेगा यहाँ पे देखो सीएल के ऊपर लोन पेयर भी है सारी बातें हैं जो लोन पेयर है क्लोरिन के ऊपर ये डबल बोन्ड के साथ ऑल्टरनेट पोजिशन पे भी है और आपके देखो ऐसा लगता है कि जैसे ये प्लस आर इफेक्ट चलेगा ही जैसे हमने एरो लगा के दिखा रखे हैं लेकिन ये जो प्लस आर इफेक्ट चलेगा इसके चलने की जो संभावना है पॉसिबिलिटी है वो कम होगी वो क्यों होगी देखो वो आपको बताते हैं

और जो इलेक्ट्रॉन है फ्लोरिन केन हमने दिखा दिया अगर हम क्लोरीन की कॉन्ग्रेशन इसी टाइप से आपसे पूछे तो डायरेक्ट हम कैसे याद रखते हैं कि वेलेंशियल का एक नंबर बढ़ा देते हैं हम तो बोलो इसमें क्या बन जाएगा लास्ट में थ्री एस टू और ये थ्री पी फाइव क्लोरिन के अंदर जो आप कॉन्ग्रेशन लिखते हैं ठीक हो गया अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे उसी टाइप से जो ये लॉन पेयर हमने दिखाया ये पी दिखाया हमने देखो इस टाइप से और ये हमने दिखा दिया टू पी फाइव अब आप ये बताएं जो लॉन पेयर है देखो ये वन अनपेड इलेक्ट्रॉन हमने क्लोरीन में दिखाया वन अनपेड से तो देखो क्लोरीन ने देखो ये वन बोर्ड बना रखा है बेंजीन वाले कार्बन के साथ अब पेयर लॉनपेयर पेयर ये किस में है ये थ्री पी के अंदर है ध्यान दें कि ये जो लॉन पेयर है ये किसके अंदर प्रेजेंट है इट इज प्रेजेंट इन द्री पी ऑर्बिटल जो 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 तो का तो डायरेक्ट हम एक्साइटेड फॉर्म के अंदर दिखा दें तो क्योंकि कार्बन चार बोर्ड बनाएगा पी के अंदर तो देखो पहले दो ही इलेक्ट्रॉन थे डायरेक्ट एक्साइटेशन दिखा देते देखो स्टेप से हो गया मीन जो ये ऑर्बिटल हैं कार्बन के अंदर ये कौन से 2P 2P और 3P जो है इनके बीच में एनर्जी गैप है। बोलो क्या है दोनों सेम एनर्जी के नहीं है देर इज एनर्जी गैप अगर यहाँ पे फ्लोरिन होता क्लोरिन की जगह बोलो यहाँ पे क्या होता एफ होता एफ होता तो एफ में तो क्या होता बोलो टू पी तो अगर यहाँ पे फ्लोरिन लग रहा होता तो जो लोन पेयर होते हैं टूपी में होते और जो ऊपर ऑर्बिटल है जिसके साथ इसको ओवरलैप करनी है वो भी टू पी होता है जब ऑर्बिटल सेम प्लेन में हो ऑर्बिटल तो देखो सेम प्लेन में है दोनों के क्लोरिन के भी और ये कार्बन का जो टू पी ऑर्बिटल है ये भी बोलो कौन है ये यह यहाँ पे ये कार्बन होता है देखो ये कौन होता है बोलो बेंजीन पे कार्बन है यहाँ पे लेकिन यहाँ पे एनर्जी गैप है इसीलिए जो ये थ्री पी ऑर्बिटल और ये टू पी ऑर्बिटल वैकेंट जो कार्बन का है यहाँ पे जो अब हम साइडवेज ओवरलैपिंग करना चाहते हैं ये नहीं होगी या होगी तो इसके होने के चांस कम होंगे इसलिए हम कह रहे हैं कि जो है यहाँ पे, यहाँ पे सीएल नहीं चलेगा या वीकर होगा प्लस आर इफेक्ट चलेगा तो कम एक्सटेंट तक होगा कम टेंडेंसी होगी ओवरलैप करने की तो जो प्लस आर इफेक्ट जो हमने दिखाया है बोलो ये कैसा इफेक्ट होगा इट इज ए वेरी वेरी वीक प्लस आर इफेक्ट अब हम देखते हैं दूसरा इफेक्ट कौन सा होता है दूसरा होता है इंडक्टिव इफेक्ट तो सीएल का कैसा है सीएल का वो इंडक्टिव इफेक्ट है यहाँ पे माइनस आई वैसे तो जो स्ट्रोंगर इफेक्ट होता है वो हमेशा रेजोनेंस इफेक्ट ही होता है लेकिन सीएल के केस में वो विकर क्यों हो पाया वो भी हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया कि जो ये लोन पेयर है रेजोनेंस के दौरान इसको अपने लोन पेयर तो आगे डोनेट करने ही पड़ेंगे तो लेकिन वो डोनेट नहीं कर पाया आगे क्योंकि अगले जिस ऑर्बिटल में इसको डोनेट करने थे वो कार्बन का जो ऑर्बिटल था यहाँ पे बोलो वो कौन सा था यहाँ पे टूपी तो जिसकी वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं कर पाएगा लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाएगा डोनेट करने के चांस कम होंगे इसलिए जो प्लस आर इफेक्ट है सीएल का जो होना चाहिए था वो एक वीकर इफेक्ट बन जाएगा और इसलिए कौन सा इफेक्ट ये डोमिनेट रहेगा सीएल के केस में वो रहेगा आपका आयोडिन ऐसे ही सीएल के बाद ब्रोमीन होता ब्रोमीन में तो थ्री पी की वजह फोर पी हो जाता तो जो फ्लोरीन को छोड़ के जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है उनके अंदर जो प्लस आर इफेक्ट है वो हमेशा वीकर रहता है और इसलिए वहां पे जो हम एक्सप्लेनेशन देते हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस के ऊपर देंगे तो अब क्या होगा देखो जो स्ट्रक्चर नंबर वन है यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट से जो इंडक्टिव इफेक्ट है जिसमें सिग्मा बॉन्ड के देखो ये इलेक्ट्रॉन होंगे तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के थ्रू देखो ऐसे नेगेटिव चार्ज का देखो डिस्पर्सल होगा देखो ऐसे इस टाइप से ये जो सीएल है तो आप ओवरऑल टू एंड थ्री इसमें जो स्ट्रक्चर नंबर थ्री है उसमें तो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हुआ है माइनस आर इफेक्ट से बहुत ज्यादा डिस्पर्सल हो गया नेगेटिव चार्ज का स्ट्रक्चर नंबर वन में भी अब डिस्पर्सल हो गया लेकिन माइनस आई इफेक्ट सी से क्योंकि प्लस आर तो हमने वीकर बता दिया

नेक्स्ट हम लेते हैं एसिडिटी ऑर्डर अमंग द पैरा नाइट्रोफिनोल मैटाइट्रोफिनोल एंड कंपाउंडों के है, तो, पेरा -फिनोल, अगले में में तो देखो आप ये सभी के अंदर से जो उसी टाइप से और एच के बीच का जो बॉन्ड है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ देखो अट्रैक्ट किए और एच पॉजिटिव एन देखो लॉस हो जाएगा हर एक के अंदर से और एच पॉजिटिव एन लॉस होने के बाद जो स्ट्रक्चर नंबर वन बन गए यहाँ पे स्ट्रक्चर टू और स्ट्रक्चर थ्री तीन स्ट्रक्चर आपकी बन चुकी है पे एच पॉजिटिव लॉस होने के बाद अब हमें कंपेयर करना है कि एच पॉजिटिव लॉस होने के बाद कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबलाइज हो गई है तो आप ध्यान से देखिए एनओ टू ग्रुप लगा हुआ है दो स्ट्रक्चर्स के अंदर स्ट्रक्चर वन और स्ट्रक्चर टू में जो फिनोक्साइड एन है इनके अंदर लेकिन हम ये जानते हैं कि जो एनओ टू है वो अपना इफेक्ट सिर्फ कहां पे शो करता है resonance हमेशा दो के पर चलता है present, at, और आपका माइनस आर इफेक्ट तो माइनस आर इफेक्ट ये नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल यहाँ पे करेगा आपकी जो मेटापोजिशन के ऊपर एनओ टू लगा हुआ है ये अपना resonance तो शो करेगा नहीं क्योंकि जो

और स्ट्रक्चर नंबर थ्री में सिंपल फिनोल है वहां पे तो एच लगा हुआ है हर जगह नो इफ़ेक्ट इसमें तो नॉर्मल डिस्पर्सल चल, चलता रहेगा तो सबसे ज्यादा डिस्पर्सल कहाँ पे हुआ है बाय माइनस आर इफेक्ट एनो टू ड्यू टू द माइनस आर इफेक्ट ऑफ एन टू देन द स्ट्रक्चर नंबर टू वेयर ओनली द माइनस आई इफेक्ट ऑफ एन टू टेक्स प्लेस

तो इसीलिए अब हम स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर देखें तो क्या होगा स्ट्रक्चर वन इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर टू इज मोर स्टेबल स्ट्रक्चर नंबर थ्री इसलिए एसिडिटी ऑर्डर क्या हो गया पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन मेटा मेटानाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन फिनोल तो इस टाइप से हमने इनके बीच कंपेरिजन किया इसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है हमारे रेजोनेंस की वो क्या आती है कि रेजोनेंस के बेसिस के ऊपर हम डिफरेंट कंपाउंड की बेसिसिटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और डिफरेंट कंपाउंड के बीच बेसिसिटी को कंपेयर भी कर सकते हैं तो अब हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आ गया कि ये डिफरेंट कंपाउंड के देखो हमने नाम लिखे हैं एमीन्स या एनिलीन आप ले सकते हैं या विनाइल एमीन या पायरोल वाय दे आर बेस ये आपके वीकर बेस क्यों है ये सारे के सारे आपके बेस क्यों है तो देखो आपके जितने भी ये तीनों स्ट्रक्चर हैं पहली एरोमेटिक एमीन एनिलीन में देखें तीनों ही केसेस के अंदर जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर वो डबल बॉन्ड से देखो ये जो डबल बॉन्ड एनिलीन में देखो इससे अल्टरनेट पे विनाइल में भी लोन पेयर जो है डबल बॉन्ड से बोलो अल्टरनेट पोजिशन के ऊपर है आपके पायरोल में भी जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर वो डबल बॉन्ड से अल्टरनेट पोजिशन के ऊपर मीस दे गेट इन्वॉल्व इन रेजोनेस तो मीन द लोन पेयर प्रेजेंट ऑन दाइट्रोजन एटम इन ऑल द थ्री कंपाउंड एनिलीन विनाइल विनाइलमीन एंड द पायरोल

तो देखो इन एरोमेटिक एरोमेटिकमीन लाइक एनिलीन और इन विनाइल और इन केस ऑफ पायरोल द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन एटम गेट इनवॉल्वड इन रेजोनेंस एंड दस द लोन पेयर आर नो लॉन्गर बी फ्रीली अवेलेबल फॉर डोनेशन टू द साइड रिएजेंट और द दाइड पीसी सो ऑल दीज थ्री कंपाउंड एरोमेटिक एरोमेटिकमीन कह सकते हैं आप एनिलीन को या विनाइल विनायल या पायरोल दीज ऑल स्ट्रक्चर जिनको हम स्ट्रक्चर वन के नाम से पुकार रहे थे आर वीकर बेस इसलिए सारे के सारे वीक बेस हैं नेक्स्ट हम करेंगे कंपेरिजन डिफरेंट स्ट्रक्चर के बीच कौन कौन सी डिफरेंट स्ट्रक्चर देखो स्ट्रक्चर नंबर वन तो बोलो कौन सी होगी आपकी ये मीन कौन सी जो आपके एरोमेटिक एमीन एमीन या aniline, amine, या एनिलीन विनाइल तीनों के अंदर आप ध्यान से एरो जो पेयर है जिस एटम के ऊपर वो डबल बॉन्ड से ऑल्टरनेट पोजिशन के ऊपर है जैसे अभी हमने डिस्कस किया सो इन ऑल द थ्री केसेज दीज लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन रेजुनेस सो दे आर नॉट फ्रीली अवेलेबल फॉर डोनेशन जैसे अभी हमने आपको बताया था एनीलिन के केस में भी आपके विनाइल विनाइल एमिन के केस में भी और पायरोल के केस में भी दिस लोन पेयर आर नॉट फ्रीली अवेलेबल फॉर डोनेशन टू द आउटसाइड स्पीसी ये सभी स्ट्रक्चर नंबर वन है अगर हम स्ट्रक्चर नंबर टू देखें जैसे आपका हमने ले लिया कौन है बोलो ये बेंजाइल एमिन पहले वाले कंपाउंड का नाम बोलो इसका क्या है ये है बेंजाइल ग्रुप बेंजाइल okay, ग्रुप बोलो कौन सा होता है तो आप इसे कह देंगे. ठीक हो गया? ये सारी जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन अच्छा बेस है स्ट्रक्चर वन वाले कंपाउंड सारे या स्ट्रक्चर टू वाले एग्जाम में कोई भी एक ले सकते हैं स्ट्रक्चर वन वाला कोई भी एक कंपाउंड उठा लेंगे लाइक like, एनिलीन ले लिया स्ट्रक्चर वन वालों में से इधर मान लीजिए बेंजेल ले लिया कह देंगे विच इज मोर बेसिक ये so ये इतने सारे है ये. इन सभी को हमने इकट्ठा ही लिख दिया है यहां पे तो टू में और कौन एलिफेटिक नहीं होंगे बेन्जाइल एमीन में देखें देखो नाइट्रोजन जिसके ऊपर देखो ये लॉन पेयर है ये आगे डबल बोन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट नहीं है इट मीन दीज लॉन पेयर आर फ्रीली अवेलेबल फॉर डोनेशन एमीन में देखें वो नाइट्रोजन जिसके ऊपर देखो ये लोन पेयर है दे आर फ्रीली अवेलेबल फॉर डोनेशन दे आर नॉट इन रेजुनेंस। ये रेजुनेंस के अंदर देखो इन्वॉल्व नहीं हमने क्रॉस लगा दिया यहां पे को देखें जो कंपाउंड है इसके अंदर पहले से ही ये कंपाउंड हकल रूल के अनुसार पहले से ही स्टेबल है इसके अंदर देखो सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन देखो थ्री रिंग के अंदर जैसे होते हैं डबल सिंगल डबल सिंगल डबल तो इसके अंदर पहले से ही आपके क्या है बोलो ये स्टेबलाइज है आपके इलेक्ट्रॉन क्योंकि तीन पाई बॉन्ड है तो सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन हो गए और ये हकल रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है बोला आपका स्टेबल हो जाता है मींस यहाँ के इसके ऊपर भी जो लॉन पेयर है दे आर फ्रीली अवेलेबल फॉर डोनेशन जो पिप्रीडीन है इसमें कोई डबल बॉन्ड ही नहीं है इसीलिए ये आपके जो लॉन पेयर है दे आर फ्रीली अवेलेबल एमीन उसमें तो कहीं पे डबल ही नहीं दिख रहा तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लॉन पेयर है इन स्ट्रक्चर वन वाले जितने कंपाउंड आपने देखे पायरो आर नॉट फ्रीली अवेलेबल फॉर डोनेशन सो दे आर वीक बेस

डोनेशन टू दाइडेंट ये आपको ध्यान रखना है बाहर ये donate नहीं हो सकते कई बार बच्चे घर के अंदर ही अंदर देखो इन्वॉल्व हो रहे हैं ये बाहर तो ये किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे ना हमें यही तो देखना है की कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो अपने लोन पेयर को बाहर किसी दूसरी स्पीसी को डोनेट कर दे ये तो अंदर ही अंदर रेजोनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आप इसको डोनेशन ना माने ये तो अंदर ही अंदर में वर्ल्ड है बाहर किसी को डोनेट नहीं कर पा रहे हम और स्ट्रक्चर नंबर टू में क्या हुआ एंड दस लोन पेयर आर फ्रीली अवेलेबल फॉर डोनेशन क्योंकि वो में वर्ल्ड नहीं हुए टू द आउट साइड स्पीसी इसलिए जो स्ट्रक्चर वन के जितने भी कंपाउंड होंगे वो स्ट्रक्चर टू वाले कंपाउंड से ज्यादा बेसिक होंगे मैंने बताया देखो कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन गए स्ट्रक्चर वन वाला देखो कोई एक देखते हैं वाई एनी लीन इज मोर बेसिक देन बेन जयलेमीन स्ट्रक्चर टू वाले ले लिया फिर एनिलीन का कंपेरिजन वाई एनिलीन इज मोर बेसिक देन एलाइलेमीन वाई एनिलीन इज मोर बेसिक વાયનિલિન ઇઝ મોર બેસિક ધેન પિરીડીન વાયનિલિન ઇઝ મોર બેસિક ધેન પિપિરીડીન તો હમ نے સ્ટ્રક્ચર 1 ઓર સ્ટ્રક્ચર 2 લિખકે ઇતને سارے ક્યુશન કો કમ્પાઇલ કર દિયા હે તો જો ભી એક ક્વેશ્ચન આય સ્ટ્રક્ચર 1 કા કોઈ ઉઠા લેંગે સ્ટ્રક્ચર 1 2 કા કોઈ એક કમ્પાઉન્ડ ઉઠા લેંગે ઉનકા કમ્પેરીઝન પેપર મે આપકે આ સકતા હે તો યે ડિફરન્ટ ટાઈપ કે એપ્લિકેશન્સ બન જાયેંગે તો યે હમણે કમ્પેરીઝન કિયા યહાં પે આપકે બેસિસિટી કા नेक्स्ट हम देखेंगे अगली के हाउ कैन यू एक्सप्लेन द रियक्टिविटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंडस हम डिफरेंट कंपाउंड की रिएक्टिविटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं रेजोनेस के बेसिस के ऊपर जैसे अभी हम कंपैरिजन कर रहे थे कई कंपाउंडों का ऐसे यहाँ पे भी हम इकट्ठे ही कंपैरिजन कर देंगे जैसे हमने ये डिफरेंट कंपाउंड ले लिया जैसे एरोमेटिक हेलाइड ले लिए मीन्स क्लोरोबेंजीन ले लिया या विनाइल क्लोराइड ले लिया इनके अंदर आप देखें आपको एक बेसिक चीज बता दें कोई भी ऐसे कंपाउंड जो आपके एलकाइल हेलाइड होते हैं देखो उनके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए कार्बन है कार्बन के ऊपर जब कभी भी कोई एक्स ग्रुप लगा हुआ जैसे हेलोजन लगा होता है कार्बन के देखो हमने फोर बॉइड दिखा दिए वन टू थ्री एंड फोर देखो ऐसे करके तो जो कार्बन होता है ये लेस इलेक्ट्रॉनिक कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि सीएल जो है दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है तो सीएल के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज इसीलिए

बोलो क्लोरिनो कार्बन में कौन है वो कार्बन है कार्बन ने चार बोर्ड बना रखे सो इट इज एटम तो सेंट्रल एटम के ऊपर ही अटैक होगा एक्सटर्नल रिएजेंट का एक्सटर्नल रिएजेंट कौन है NUH, इसमें सेंट्रल एटम कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो अटैक किसका होगा ओएच OH. तो देखो ओ एच OH यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर से अटैक करता है कार्बन के पांच बॉन्ड हो जाएंगे तो फिर निकल कौन जाता है सीएल दोनों इलेक्ट्रॉन लेके तो कैसे निकल जाता है और जिसकी वजह से क्या हो जाता था कि जो कार्बन है उसके थ्री बॉन्ड है सच है और यहाँ पे बोलो कौन आ गया ये अपने दो इलेक्ट्रॉन लेके कौन आ गया था बोलो यहाँ पे ओ OH. रिप्लेस कौन हो गया CL. ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दिखाते हैं जो आपके मीनियोफिल हैलकाइल होते हैं या वो कंपाउंड जिनमें कार्बन के ऊपर सीएल अटैच होता है वो न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिकब्सिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं इसलिए दिखा पाए क्योंकि कार्बन सेंट्रल एटम उसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज था और ये सीएल क्यों निकल पाया क्योंकि कार्बन और सीएल के बीच यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है इसलिए आराम से डिस्प्लेसमेंट हो पाई सब्सटीट्यूशन यहाँ पे हो पाई ओ OH एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था सीएल एक वीक न्यूक्लियोफाइल, है इसलिए एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया नेगेटिव चीजों को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं आप हमने पहले भी बताया था

वो कार्बन जिसके ऊपर लगा हुआ है तो ये क्लोरिन जिसके पास लॉन पेयर है दे गेट इन्वोल्ड इन रेजुनेस दे गेट इन्वॉल्व इन रेजुनेंस और ये रेजुनेस में इन्वॉल्व होने की वजह से देखो क्या हो जाता है जो क्लोरिन है यहाँ पे और जो कार्बन है ये बेजीनिंग वाला इनके बीच में पहले सिंगल बॉन्ड था और ये दो इलेक्ट्रॉन आने की वजह से यहाँ पे बोलो कैसा बॉन्ड बन गया डबल बॉन्ड बन गया ये सीएल पॉजिटिव चार्ज अब जो न्यूक्लियर है वो अटैक कहाँ पे करेगा वो तो देखो कार्बन के ऊपर ही अटैक करेगा यहाँ पे तो वो कार्बन पे अब क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया तो डबल बॉन्ड बनने की वजह से क्या होगा ये जो न्यूक्लियर है देखो जो अब न्यूक्लियर फिलिक हमें रिएक्शन दिखानी थी न्यूक्लियो फाइल जब अटैक करेगा देखो इस कार्बन के ऊपर तो कैसे करे अटैक क्योंकि अब यहाँ पे दो बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है बोन्ड आराम से नहीं टूटेंगे कार्बन और क्लोरीन के बीच डबल बोन्ड कैरेक्टर आ चुका है पहली चीज तो ये दूसरी बात जो ये बेंजिन रिंग होता है इस बेंजिन रिंग के ऊपर बोलो क्योंकि यहाँ पे तो बेंजिन रिंग है जो हमने इधर एग्जांपल एक्सप्लेन किया का वहां पर तो रिंग नहीं था तो बेंजिन रिंग के ऊपर हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है तो इसलिए पाई तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेंसिटी का मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा है है जिसकी वजह से जो इनकमिंग और जो बैंजिन है इसके बीच में क्या हो जाएगी यहाँ पे रिपल्शन हो जाएगी नेगेटिव नेगेटिव के बीच इसलिए भी यहाँ पे न्यूक्लियो अटैक नहीं कर सकता तो वो कंपाउंड जिनके अंदर बेंजिनरिंग आपको दिखाई दे और बेंजिनरिंग के ऊपर सी हो वहां पे न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक नहीं करता रिंग के ऊपर लगे हुए सीएल को आराम से डिस, डिस, रिप्लेस नहीं कर सकता है दो रीजन हुए क्योंकि सीएल के ऊपर जो लोन पेयर था वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया जिसकी वजह से कार्बन क्लोरीन के बीच डबल वो करेक्टर आ गया दूसरा जो नेगेटिव चार्ज है जो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है बेंजीन रिंग के ऊपर जो हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नेगेटिव नेगेटिव के बीच रिपल्शन हो जाती है इसलिए भी वो अटैक नहीं करेगा तो हम इसका जवाब देखो कैसे लिखेंगे इन एरोमेटिक एरोमेटिकलाइड और द विनाइल हेलाइड ऐसे ही देखो विनाइल हेलाइड में भी हो गया यहाँ पे बेंजिन रिंग नहीं है तो कोई बात नहीं लेकिन ये फैक्टर तो हमारा यहाँ पे चला ना रेजोनेंस वाला तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया देखो इस स्टेप से इलेक्ट्रॉन आगे क्योंकि कार्बन के नहीं तो पांच बोड हो जाएंगे देखो ये सी एच टू सिंगल बॉन्ड ये सी एच और यहाँ पे बोलो सिंगल बॉन्ड था तो कैसा बॉन्ड आ गया रेजोनेंस चलने की वजह से यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड तो अब डबल बोन्ड को तोड़ना आसान नहीं है तो इसलिए जो कार्बन जिसके ऊपर सीएल है यहाँ पे अटैक कौन करेगा देखो बाहर से आके यहाँ पे अटैक न्यूक्लियो करेगा तो लेकिन जो न्यूक्लियो है अटैक करे तो ये बोन टूट जाना चाहिए अब नहीं टूटेगा क्योंकि यहाँ पे डबल बोन्ड आ गया इट इज नॉट इजी टू ब्रेक द डबल बोन्ड एज कम्पेयर टू द सिंगल बोन्ड इसलिए विनाइल हेलाइड के अंदर भी रेजोनेंस की वजह से रेजोनेंस की वजह से आपके कार्बन और सीएल के बीच डबल बोन्ड करेक्टर आ जाता है ऐसे क्लोरोबेंजिन के अंदर भी रेजोनेंस चलने की वजह से कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बोन्ड करेक्टर आ जाता है

तो एल्काइल हेलाइड के अंदर तो रेजोनेस चलती नहीं क्लोरीन के ऊपर जो लॉन्न पेयर वो रेजोनेस के अंदर इन्वॉल्व हो गए नहीं क्योंकि रेजोनेस नहीं होगी इसलिए कार्बन और क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड ही होगा और सिंगल बोन को तोड़ना देखो इजी होगा जैसे हमने तोड़ के भी दिखाया था तो के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एलकाइल रिएक्शन आराम से चलती है तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन एलकाइल हेलाइड वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कंपैरिजन फिलहाल हमारा क्वेश्चन ये था कि व्हाई एरोमेटिक हेलाइड क्लोरोबेंजीन और द विनाइल हेलाइड आर लेस रिएक्टिव ये लेस रिएक्टिव है ही क्यों

मीन्स जिन हो गया विनाइल क्लोराइड हो गया दिस ऑल कलेक्टिवली कॉल्ड स्ट्रक्चर इन सभी के अंदर जो लॉन् पेयर हैं क्लोरीन के ऊपर दे गेट इन रेजोनेंस रेजोनेंस और resonance में इनवॉल्व होने की वजह से क्या होगा जो कार्बन है और जो है उसके बीच में बोलो कैसा करेक्टर आ जाएगा देयर बिकम्स द डबल बॉन्ड करेक्टर तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से देखो ये आ गया डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पे हमने दिखा दिया ठीक है ना ऐसे ही आप क्लोरोबेंजिन में शो कर देते हैं और फिर दूसरे कंपाउंड आगे हमारे स्ट्रक्चर नंबर टू के हमने कंपाउंड दिखा दिए यहाँ पे बोलो ये कौन कौन से कंपाउंड है स्ट्रक्चर नंबर वाले एक तो बेंजाइल क्लोराइड देखो ये बेंजाइल ग्रुप होता है बेंजीन के ऊपर जी एस टू लगा दे यहाँ तक तो बेंजाइल ग्रुप है उसके ऊपर सीएल लगा दिया तो बेंजाइल क्लोराइड ये एलाइल ग्रुप है सी एस टू डबल बॉन्ड सी एच सी एस टू तक यहाँ पे एलाइल होता है ये और एलाइल ग्रुप के आगे क्या लगा दिया बोलो सीएल तो एलाइल क्लोराइड हो गया

ठीक है और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से जब अटैकिंग स्पीसी है कार्बन के ऊपर होगा एवरी केस सीएल के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर क्या होगा स्लाइट पॉजिटिव चार्ज इसलिए जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जब आएगा हर केस के अंदर जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो आएगा वो न्यूक्लियोफाइल बड़े आराम से कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा और सीएल बड़े आराम से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहां से निकल जाएगा हर एक केस के अंदर बोलो अटैक कौन करेगा वो कार्बन ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उस अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल और आराम से निकल कौन जाएगा बोलो ये सीएल में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बड़ी आराम से चलेगी क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं आया पे कैसा रहा सिंगल बॉन्ड करेक्टर इन ऑल द स्ट्रक्चर टू तो पेपर में जब क्वेश्चन आता है कोई भी एक स्ट्रक्चर उठा लेंगे इधर से जैसे क्लोरोबेंजीन रिएक्टिव है की तरफ, देन दा के या का कम के साथ कर लेंगे या क्लोरोजिन या एरोमेटिकलकाइल के साथ कर लेंगे एंड सो ऑन तो ये काफी सारे क्वेश्चन ऐसे कंबिन आपके बन सकते हैं तो अब आंसर देखो कैसे लिखेंगे इन एरोमेटिकलाइड में क्या हुआ द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन द एक्स एटम गेट इनवोल्ड इन रेजोनेंस और वहां पे पर स्ट्रक्चर नंबर टू वाले कंपाउंड में क्या है द लोन लॉन्प इलेक्ट्रॉन ऑन एक्स एटम आर नॉट इनवोल्ड इन रेजोनेंस तो जो स्ट्रक्चर वन है उसके अंदर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गया देयर बिकम्स द डबल बॉन्ड बिकम्सल्टर इन बिटवीन द सी एंड द एक्स एटम और जबकि स्ट्रक्चर टू वालों में क्या हुआ देयर देयर रिमेन्स सिंगल बॉन्ड करेक्टर इन बिटवीन द सी एंड द एक्स एटम और इट इज इजी टू ब्रेक द सिंगल बॉन्ड एज प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर नंबर टू एंड इट इज नॉट इजी टू ब्रेक द डबल बॉन्ड सी एंड द एक्स आइटम इन स्ट्रक्चर नंबर वन तो इसलिए कौन ज्यादा रिएक्टिव हो गए इसलिए जो कंपाउंड है वो आपके कम रिएक्टिव है और स्ट्रक्चर टू वाले जो कंपाउंड है वो आपके ज्यादा रिएक्टिव होंगे तो इस टेप से हम इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर को क्या कर सकते बोलो एक्सप्लेन कर सकते हैं सो दीज ऑल आर दिकेशन ऑफ द रेजुनेस तो रेजुनेस की इन्वॉल्वमेंट के बेसिस के ऊपर हम बता रहे हैं इन कंपाउंडो को इनके बीच कंपेरिजन हम कर पा रहे हैं नेक्स्ट हम करेंगे रेजोनेंस एप्लीकेशन को को के, कार्बो के है डिफरेंट उनकी स्टेबिलिटी को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं तो देखो हमने ये कंपाउंड लिया आपके जैसे बेंजाइल कैटाइन के एलाइल केटाइन हमने ले लिया स्ट्रक्चर टू के कंपाउंड है हमारे इधर हमने स्ट्रक्चर वन के कंपाउंड ले लिए आपके फिनाइल केट विनाइल के, के तो आप स्ट्रक्चर नंबर टू वाले कंपाउंड के अंदर देखें वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो डबल बोन के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है देखो एलाइल को देखते हैं यहाँ पे देखो एलाइल जो है इसके अंदर देखो ये जो लोन पेयर है यहाँ पे यहां पे सॉरी ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पॉजिटिव चार्ज के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है मींस अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन को देखो आगे अगर हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे देखो ऐसे हो सकते हैं बिल्कुल आराम से शिफ्ट रेजोनेंस प्रोसेस हमारी चलेगी इसके अंदर तो जिसकी वजह से क्या होगा देखो ये सी एच टू जो डबल बॉन्ड था ये कैसा हो जाएगा सिंगल ये सी एच

जो एक डबल बॉन्ड है, है यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये पॉजिटिव चार्ज के साथ उससे तो तो क्या हो जाएगा आपके पॉजिटिव चार्ज का देखो अब डिस्पर्सल हो जाएगा क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ था ये जो सी एस टू था यहाँ पे इसके पास देखो दो इलेक्ट्रॉन चले गए देखो ये जिसकी वजह से यहाँ पे तो डबल बॉन्ड बन गया कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन देखो नया मिल गया CS2 वाले कार्बन को और जो बेंजनिंग वाला जो कार्बन है यहाँ पे इस कार्बन के पास देखो दो इलेक्ट्रॉन किसके थे ये दोनों कार्बन के थे इक्वली शेयरिंग में तो इस पिछले कार्बन के ऊपर वाले कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज का क्या हो गया बोलो सो द डिस्पर्सल प्रोसेस कॉल्ड द रेजोनेंस इसीलिए टाइम जो था ये स्टेबल है

आपने एक्सप्लेन किया ऐसे ही अगर आपको जो एसिडिटी के और भी क्वेश्चन के ऊपर रेजोनेंस के बेसिस के ऊपर उनकी एक्सप्लेनेशन आपको यानी याद करनी है जब आपने नोट्स बनाए तो आप जो हमारे पहले का अलग से जो लेक्चर है हमारा एल्कोहल फिनोल्स का वहां पे हमारा लेक्चर नंबर थ्री है पार्ट नंबर फिनोल्स का आप उसको जरूर देखें उसके अंदर आपके और भी एग्जाम्पल है ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट नंबर फोर है वहां पे भी डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में हमने एसिडिटी को एक्सप्लेन कर रखा है तो जब आप अपने नोट्स बनाएं अपने इस पार्ट के अंदर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पार्ट फोर के अंदर और जब हमारे एसिडिटी के क्वेश्चन को एक्सप्लेन आप कर रहे हो तो उस वक्त आप अपने अगले पॉइंट नंबर नेक्स्ट के ऊपर जाएं इसके एप्लीकेशन पे रेजोनेंस की एप्लीकेशन पे तो एसिडिटी के क्वेश्चन आप वहां पे उन उन वीडियोस को को देख देख के के लेक्चर आप यहीं पे ऐड कर लें उनको ताकि आपके नोट्स और भी अच्छे बन पाए क्योंकि वो चीज हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं उन लेक्चर्स के अंदर इसलिए हम उनको यहाँ पे दोबारा से रिपीट नहीं कर रहे हैं तो ये थी डिफरेंट एप्लीकेशन रेजोनेंस की कि जिसके बेसिस के ऊपर हम डिफरेंट कंपाउंड की एसिडिटी बेसिसिटी स्टेबिलिटी इन चीजों को हम एक्सप्लेन कर पाते हैं सो थैंक्स यूलोट